जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों देखिए, हंटर 350 को लेकर काफ़ी सारे सवाल जो हैं इस समय लोगों के मन में हैं, और वो इसलिए है क्योंकि अभी ये एक नया प्रोडक्ट है। क्योंकि हंटर 350 मैंने ली है तो मैं इन सवालों को समझता हूँ अच्छे से। अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि उसमें से एक सवाल का जवाब तो मैंने दिया भी था। सवाल क्या है, वो पहला सवाल तो ये है कि हंटर 350 जब लोग ले रहे हैं तो उसके इंजन में से एक अजीब सी स्मेल आ रही है, मतलब बदबू आ रही है, और वो ज़्यादातर लोगों ने महसूस किया है। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि हीटिंग इशू काफ़ी सारे लोग जो हैं महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीटिंग लगती है उनको जब वे बाइक को चलाते हैं, थोड़े किलोमीटर चलाने के बाद ही उनको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों दोनों चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे, बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और बहुत काम की बनाऊंगा। अगर आप हंटर 350 के ओनर हैं, मतलब आपने खरीद ली या खरीदने की सोच रहे, तो दोनों ही चीज़ों में आपके लिए बहुत ही बढ़िया वाली वीडियो होने वाली है। तो भाई जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, आप उसमें मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और कुछ लिंक्स वगैरह हैं वहाँ से, अगर आप कुछ परचेज करते हैं कुछ भी उनके अलावा भी, तो भी मेरे को थोड़ी सी सपोर्ट आपकी तरफ से मिल जाएगी। दोस्तों बिना फालतू का टाइम खराब करे मैं आपसे बहुत जल्दी बात शुरू करता हूँ। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि हंटर 350 के इंजन में से एक स्मेल सी आ रही है, बदबू सी आ रही है, तो वो क्या है और वो ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, जब मैंने हंटर 350 ली थी 14 अगस्त 2022 को, लगभग 2 महीने हो चुके, 2 महीने ही होंगे बिल्कुल, तो उस दिन मैंने बाइक को ली थी, और ये जो स्मेल आती है इंजन में से, जो स्मेल है, जो बदबू सी जो आती है, ये मुझे भी महसूस हुई थी। बेसिकली ये कोई ऐसी चीज़ है जो हीट की वजह से पिघलती है और उसका स्मेल आती है। इसको ये है क्या क्या रीज़न है इसका, ये मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता बिल्कुल। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये या तो कोई पेंट है जो पिघलता है इंजन के अंदर से, या मोबिल ऑयल शायद थोड़ा इंजन को जब उसमें चलता है तो उसके जलने की वजह से ऐसा स्मेल आती है, या इंजन क्योंकि बिल्कुल नया होता है जब उसमें लगातार घर्षण होता है, मतलब जब आपस में पार्ट्स चलते हैं तो उसकी वजह से ये स्मेल आती है। अब ये स्मेल परमानेंट नहीं है बिल्कुल भी, लगभग 700-800 किलोमीटर तक, मान के चलो एक सर्विस के बाद कुछ समय तक आपको स्मेल महसूस होगी, हो सकता है कुछ ज़्यादा समय तक हो, क्योंकि ये कोई चीज़ डेफिनेटली पिघलती है हीट की वजह से और उसकी वजह से ही स्मेल आती है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न मत रखना अपने दिमाग में कि कुछ दिक्कत वाली बात है, इन बाइक में कुछ कमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये स्मेल आपको कुछ समय के बाद बंद हो जाएगी। अभी की कंडीशन में मुझे बिल्कुल भी अपनी बाइक में किसी तरह कोई स्मेल, कोई बदबू कुछ भी नहीं आती, पहली बात। अब दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि बाइक जो है हीट बहुत ज़्यादा करती है, तो दोस्तों देखिए इसका भी मैं आपको बहुत जल्दी जवाब देता हूँ। बाइक में हीटिंग इशू नहीं है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ, शुरू शुरू में जब आप बिल्कुल बाइक को नई नवेली लाओगे तब उसमें हीटिंग आपको ज़्यादा महसूस होगी। उसके दो कारण हैं, पहली बात तो इंजन थोड़ा सा रवा होता है तो उस समय वो हीट ज़्यादा करता है, दूसरा आपको उस हीटिंग की एकदम से आदत नहीं होने की। दोनों चीज़ें पे आप गौर करें, पहला तो उसका इंजन बिल्कुल नया होगा, दूसरा आपको उस हीट की बिल्कुल भी आदत नहीं होगी। कुछ समय के बाद आप महसूस करेंगे वो हीट जो है आपको बहुत ही नॉर्मल सी लगनी शुरू हो जाएगी, और वो हीटिंग इशू नहीं है क्योंकि बाइक का इंजन बड़ा है, ऑयल कूल्ड इंजन नहीं है प्रॉपर एक, तो उसकी वजह से बाइक हीट होती है क्योंकि बड़ा इंजन है, हीट होती है, गर्मियों में खास तौर पे परेशानी होगी, लेकिन उसको हम इशू नहीं बोल सकते। इशू ये तब होता है जब इंजन स्टार्ट होना बंद हो जाता है या चलते चलते बंद हो जाता है, इस तरह की अगर कोई दिक्कत आती, तो हीटिंग इशू नहीं है, हीट है, उसको आप इशू ना लेके चलें, ना ही वो कोई इशू है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझेंगे और इस तरह की भी कोई कन्फ्यूज़न अपने दिमाग में ना रखें दोस्तों। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न आ रहा है। बाइक बहुत अच्छी है, मैं चला रहा हूँ बाइक को, बहुत सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दी है, आप जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, हंटर 350 से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मैं डाल चुका हूँ और आगे बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिए। आज की वीडियो में इतना ही था, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद।